बच्चों आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको रचना के आधार पर वाक्य भेद पढ़ा रही हूँ, जिसमें मैंने आपको वाक्य की परिभाषा, वाक्य के तत्व, तत्वों में सार्थक, पदक्रम, अन्वय, योग्यता, आकांक्षा, आसक्ति इत्यादि के बारे में बताया। फिर उसके बाद वाक्य रचना के तथ्य पर आ गई, जो आवश्यक तथ्य आवश्यक हैं, जिनको कि मैंने यहाँ बोर्ड पर लिख रखा है कि वाक्य से संबंधित आवश्यक तत्व, वाक्य के सभी पदों का पूरा अर्थ स्पष्ट होना चाहिए, वाक्य में सही अर्थ जानने के लिए वाक्य पदक्रम सही होना चाहिए, क्योंकि अगर क्रिया को पहले और कर्ता को बाद में रखे तो बोलचाल में अर्थ भले स्पष्ट हो जाए, व्याकरणिक दृष्टि से वो गलत सिद्ध होगा। तो पदक्रम बिल्कुल सही होना चाहिए, कर्ता के बाद बीच में कर्म और कर्म के बाद आवश्यक विशेषण अथवा अन्य कोई पद और अंत में क्रिया, तो ये पदक्रम कहलाता है, क्योंकि बिना एक कर्ता और एक क्रिया के कोई भी वाक्य संभव नहीं है। वाक्य के शब्द सार्थक और प्रसंग अनुकूल होने चाहिए, कि जिस प्रकार की क्रिया लिंग वचन और कारक के अनुसार चाहिए वही क्रिया होनी चाहिए, प्रसंग के अनुकूल उसकी सारी चीजें होनी चाहिए। शब्दों के निकटता भी अनिवार्य है, यदि आप वाक्य लिखते समय शब्दों के बीच में बहुत गैप कर देंगे, अंतराल रखेंगे, तो वो शब्द वाक्य प्रतीत नहीं होगा, तो उससे वो लगेगा कि वो स्वतंत्र है, दूसरे से उसका संबंध ही नहीं है। लेकिन अगर हम राम खाना खाता है तो राम यहाँ लिख दें, खाना यहाँ लिख दें, खाता वहाँ लिख दें, है यहाँ लिख दें, तो वो राम खाना खाता है वाक्य नहीं माना जाएगा। वाक्य का मतलब होता है एक समान दूरी के बीच में एक विशेष तरीके से लिखा हुआ वाक्य, जो वाक्य कहलाता है, जिसमें कि सब अनिवार्य रूप से निकटता हो, उसमें शब्दों के बीच की निकटता अनिवार्य हो, कि इतनी ही दूरी होनी चाहिए, तो इसलिए, और बीच में विराम से अर्थ परिवर्तन हो जाता है। यदि आपने एक शब्द यहाँ लिखा है, दूसरा यहाँ लिखा है, तीसरा वहाँ लिखा है, तो वो अर्थ एक साथ मिलकर नहीं दे पाएगा, तो ऐसे में जो अर्थ में परिवर्तन आ जाएगा। अगर आप किसी शब्द को लिखने के बाद बहुत देर तक कुछ नहीं बोलेंगे तो भी वो अगला शब्द भाव को परिवर्तित कर देता है। यदि हम कहने रोको, मत जाने दो, तो इसका अर्थ मत जाने दो से ही निकाला जाएगा। तो इस तरीके से निकटता भी उतनी ही अनिवार्य होती है, क्योंकि निकटता के आधार पर भाव की अभिव्यक्ति होती है। तो इतनी बातें मैंने आपको पुनः समझाई और उसके साथ ही साथ इसको रब करती हूँ और फिर वाक्य के घटक बताती हूँ। आगे बारी वाक्य के घटक। वाक्य के घटक, अंग उसके जिसको कह सकते हैं, तो कर्ता और क्रिया वाक्य के, कर्ता और क्रिया वाक्य के मूल घटक माने जाते हैं। इनके बिना वाक्य संभव नहीं है, कर्ता क्रिया के बीच, कर्ता और क्रिया के बीच कर्म या अन्य कारक या कर्म या अन्य कारक या विशेषण और क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण
आदि का प्रयोग होता है। जिन्हें हम ऐच्छिक घटक भी कह सकते हैं। ऐच्छिक घटक भी कह सकते हैं, यानी कर्ता और क्रिया जो होते हैं वो अनिवार्य घटक हो गए, और अन्य जो बीच में आने वाली चीजें हैं, कर्म हो या अन्य कारक हो, क्रिया हो, विशेषण हो, क्रिया विशेषण हो, तो वो सारे ऐच्छिक घटक होते हैं। देखिए, बिना कर्ता और बिना क्रिया के वाक्य संभव नहीं होता है, तो ये अनिवार्य है, अनिवार्य घटक है। कर्ता और क्रिया के आधार पर वाक्य के दो घटक मुख्य घटक हैं, कर्ता और क्रिया के आधार पर वाक्य के मुख्य दो घटक या अंग जो कहिए हैं, पहला है उद्देश्य उद्देश्य और दूसरा है विधेय, जिसको अंग्रेजी में सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट कहते हैं। ये वही है उद्देश्य और विधेय। अब उद्देश्य और विधेय किसी भी वाक्य को जब कहा जाता है तो उसमें एक के लिए बात कही जाती है और एक होता है जिसके लिए बात कही जा रही है, और दूसरा होता है जो बात कही जा रही है। दोनों दो वाक्य के दो हिस्से होते हैं, एक का होता है कि किसके लिए बात कही जा रही है, और दूसरा होता है कौन सी बात कही जा रही है। तो जिसके लिए बात कही जाती है वो उद्देश्य हो जाता है, और जो बात कही जाती है वो विधेय हो जाता है। अगर हम कहते हैं राम खाना खाता है, तो राम के लिए बात कही जा रही है, तो राम इस वाक्य का उद्देश्य हो गया, सब्जेक्ट। और कौन सी बात कही जाती है, खाना खाता है, तो ये बात हो गई विधेय, यानी प्रेडिकेट हो गया। तो ये आपको अनिवार्य रूप से जानना चाहिए, वाक्य में जिसके विषय में बात कही जाती है, जिसके विषय में बात कही जाती है, उसे उद्देश्य कहा जाता है। उद्देश्य के अर्थ में फिर है कि उद्देश्य के अर्थ में उद्देश्य उद्देश्य के अर्थ में उद्देश्य के अर्थ में विशेषता विशेषता प्रकट करने के लिए विशेषता प्रकट करने के लिए जो शब्द या वाक्यांश जो शब्द मुझे लग रहा है आपको दिखाई नहीं देगा, तो मैं इतना आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको रब कर दूं।
जो चलिए इसको रब करते हैं। जो शब्द या वाक्यांश जो शब्द या वाक्यांश कर्ता के साथ साथ जोड़े जाते हैं उसे उद्देश्य का उसे उद्देश्य का विस्तारक, बात को विस्तार से समझाने के लिए जिसका प्रयोग कर रहे हैं, विस्तारक विस्तारक कहा जाता है यानी कि उद्देश्य का विस्तार निम्न प्रकार से होता है। पहला संज्ञा से, दूसरा सर्वनाम से, तीसरा विशेषण से, और चौथा वाक्यांश से। जैसे मेहनती व्यक्ति सदा सफल होता है, मेहनती व्यक्ति सदा सफल होता है। यहाँ पर मेहनती विशेषण उद्देश्य व्यक्ति का विस्तारक है। अब यहाँ पर मेहनती जो है, मेहनती विशेषण है और व्यक्ति उद्देश्य का विस्तारक है। इस प्रकार इसका विस्तारक अलग किया जाता है। फिर अगला हो गया विधेय। अब बारी आ गई विधेय की। विधेय यानी जिसके जो बात कही जाए वो विधेय। वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो बात कही जाए वह विधेय कहलाता, है।
वह विधेय कहलाता है। वेद शब्द जो विधेय के अर्थ में वेद शब्द देखिए आपको दिखाई देगा कि नहीं, वेद शब्द जो विधेय के अर्थ में विधेय के अर्थ में विधेय के अर्थ में विशेषता बताने का कार्य करते हैं, विशेषता बताने का, मुझे लग रहा है इससे नीचे आपको नहीं दिखाई देगा तो मैं इसको रब करती हूँ, आप स्क्रीनशॉट लीजिए। उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मैं रब कर रही हूँ। विशेषता बताने का कार्य करते हैं विशेषता बताने का कार्य करते हैं उन्हें विधेय का विस्तारक कहते हैं, उन्हें विधेय का विस्तारक उन्हें विधेय का विस्तारक कहते हैं। ये निम्न प्रकार के होते हैं, जैसे कारक द्वारा क्रिया विशेषण द्वारा, क्रिया विशेषण द्वारा, पूरक द्वारा, पूरक द्वारा और पूर्वकालिक क्रिया द्वारा, पूर्वकालिक क्रिया द्वारा। पूर्वकालिक क्रिया द्वारा जैसे एक उदाहरण लिख के समझा दो, जैसे मेरी छोटी बहन कजरी स्वादिष्ट भोजन बनाती है, मेरी छोटी बहन कजरी स्वादिष्ट भोजन बनाती है। अब यहां पर क्या होगा कि स्वादिष्ट भोजन विधेय का जो है विस्तारक है, यहां पर स्वादिष्ट भोजन जो है विधेय का, यानी विधेय की बात को बढ़ाने वाला, विधेय का विस्तारक। विधेय होता है जैसे राम खाना खाता है तो खाना खाता विधेय है, लेकिन राम खाना मेज पर बैठ के खाता है तो विस्तारक हो जाएगा विधेय का, तो विधेय का विस्तारक कहलाता है। तो इतनी बात मैंने आपको समझा दी।
इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर वाक्य के आधार पर भेद बता दो, फिर वाक्यों के भेद पर आ जाती हूँ। इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये मुख्य बातें चल रही थी अभी तक। अब मैं आपको वाक्य के भेद बताने चल रही हूँ, रचना के आधार पर वाक्य, रचना के आधार पर वाक्य भेद। तो रचना के आधार पर वाक्य तीन प्रकार के होते हैं। रचना के आधार पर वाक्य तीन प्रकार के होते हैं। पहला सरल वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य, और तीसरा मिश्र वाक्य। ये तीन भेद हो गए हैं। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं फिर सरल वाक्य शुरू करूं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, मैं सरल वाक्य पर आ जाती हूँ। पहला सरल वाक्य। अब सरल वाक्य क्या है? वास्तव में सरल वाक्य कुछ बिल्कुल सिंपल सेंटेंस जिसको आप कहते हैं, जिसमें ये माना जाता है कि एक कर्ता और एक क्रिया हो, या एक उद्देश्य और एक विधेय हो, तो वो सरल वाक्य है। एक बार में वाक्य पूरा हो जाता है। राम खाना खाता है, सूरज उगता है, नदी बह रही है, माता जी भोजन बना रही हैं। एक क्रिया एक बार में संपन्न होती दिखाई देती है। वाक्य अपने में पूर्ण हो, जिसमें एक उद्देश्य और एक विधेय हो, तो वो सरल वाक्य है। तो मैं सरल वाक्य लिखने चल रही हूँ। जिन वाक्यों में एक उद्देश्य और एक विधेय अथवा एक कर्ता और एक क्रिया हो, उसे सरल वाक्य कहते हैं। जैसे रमेश प्रतिदिन घर का कार्य करने के पश्चात भी करने के बाद भी समय से
विद्यालय पहुंच जाता है। अब देखिए इसमें एक कर्ता और एक क्रिया ही है, लेकिन बीच में विस्तारक हैं, बीच में आपके विस्तारक हैं, तो विस्तारक से वाक्य बड़ा जरूर हो गया है, मगर रमेश और क्रिया एक है, तो ये मुख्य रूप से इतना बड़ा वाक्य भी सरल वाक्य है। यही मैं आपको समझाना चाह रही थी, तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो इसके आगे की चीज़ों को अगले वीडियो में लेके आऊँगी। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करती हूँ और मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।